बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नंपाई की इस वीडियो में हमने नंपाई अरे इंडेक्सिंग टॉपिक के बारे में पढ़ना है, उसका कोड भी करना है। अरे असेस अरे एलिमेंट। अरे इंडेक्सिंग इज द सेम एज असेसिंग एन अरे एलिमेंट। जो अरे की इंडेक्सिंग है वो क्या होता है, अरे में से कोई एलिमेंट हमने असेस करना होता है, फिर हम जो अरे में से कोई एलिमेंट असेस करते हैं इंडेक्स नंबर की बेस पे असेस करते हैं। इसी तरह नम पाई अरे में भी हम अरे की तरह इंडेक्स की बेस पे कोई भी नंबर कोई भी वैल्यू हम असेस कर सकते हैं। जो नम पाई अरे जो स्टार्ट है वो जीरो से है, जैसे ही अरे की जो फर्स्ट लोकेशन होती है वो जीरो होती है, ठीक है, जीरो से फर्स्ट वैल्यू स्टोर होती है, फिर सेकंड पे थर्ड। इस तरह जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो वन पे होगी, जीरो पे फर्स्ट वैल्यू, वन पे टू वैल्यू, टू पे थ्री वैल्यू, इस तरह स्टोर होती है, ठीक है। अब हम अपने कोड की तरफ चलते हैं, मजीद इसको डिस्कस करते हैं, मजीद इसको समझते हैं। सबसे जो फर्स्ट काम हमारा है, हम एक अरे क्रिएट करते हैं, फिर क्रिएट करने के बाद उसकी वैल्यू को असेस करते हैं, ठीक है। गेट द फर्स्ट एलिमेंट, एलिमेंट फ्रॉम द अरे। एक अरे लेनी है हमने, उसमें से फर्स्ट एलिमेंट हमने क्या करना है, असेस करना है। एक अरे क्रिएट करते हैं, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। नंपाई एक लाइब्रेरी है, एनपी उसका शॉर्ट नेम है, ठीक है। ये अरे क्रिएट हो रही है, अब एनपी डॉट अरे, ये अरे की वैल्यू मैंने स्टोर कर दी। फिर अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को वैसे मैं सिंपल प्रिंट कर लेता हूँ अरे को, फिर इसकी लोकेशन प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे ये हमारे पास अरे प्रिंट हो चुकी है। अब मैंने अरे की क्या करना है, वन वैल्यू को प्रिंट करना है, प्रिंट, ठीक है, अरे नेम फिर उसी लोकेशन, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखिए अरे की जो वन लोकेशन पे जो इसकी है उसमें वैल्यू टू स्टोर है, ठीक है। अब एक और वैल्यू प्रिंट करके देख लेते हैं, ठीक है। अब हम टू प्रिंट करते हैं, टू, ये इंडेक्सिंग टू हमने प्रिंट करना है। इंडेक्सिंग टू पे कौन सी वैल्यू होगी, एग्जीक्यूट करते हैं, इंडेक्सिंग टू पे क्या है, थ्री वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, सेकंड एलिमेंट भी मैंने आपको सेस करके दिखा दिया, फर्स्ट भी, और उसके अलावा अब हमने थर्ड और फोर्थ एलिमेंट असेस करते हैं अरे में से। कैसे असेस किया जाता है, एक और अरे क्रिएट करेंगे, स्टेटमेंट लिख लूं, गेट थर्ड एंड फोर एलिमेंट, एलिमेंट्स फ्रॉम द अरे एंड एड देन। इसमें हमने क्या करना है, थर्ड और फोर्थ एलिमेंट को गेट करना है, ठीक है, उसके बाद उसको हमने ऐड भी करना है, ठीक है। एक अरे क्रिएट कर लेता हूँ मैं, इंपोर्ट नंपाई एनपी, अरे लाइब्रेरीज राइट कर लिया, अब अरे क्रिएट करने लगा हूँ, एनपी डॉट अरे, ठीक है, ये वैल्यू मैंने राइट कर दी है। अब हम क्या करने लगे हैं, वैल्यू को गेट भी करेंगे फिर ऐड भी करेंगे, ठीक है। टू लोकेशन की वैल्यू प्लस अरे की थ्री लोकेशन की वैल्यू हमने क्या करनी है, असेस भी करनी है और प्रिंट भी करनी है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं,
अब एक एरर्स है, ये एरर हम रिमूव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए, 2 नंबर की वैल्यू को क्या कर दिया उसने, असेस भी कर दिया और प्रिंट भी कर दिया। मैं आपको मजीद इसको मजीद बता देता हूं, ताकि ये 2 नंबर की वैल्यू, ये 3 नंबर की वैल्यू। अब दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखिए 2 और 3 की वैल्यू को क्या किया हमने, असेस किया। असेस करने के बाद उसको प्रिंट करके ये आंसर दे लीजिए, करेक्ट है बोथ साइड बोथ वे से। अब हमने क्या करना है, 2D असेस द एलिमेंट ऑन द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। अब हमने एलिमेंट को असेस करना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, ठीक है। स्टेटमेंट राइट करता हूँ, असेस द एलिमेंट ऑन द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। अब एक अरे क्रिएट कर लेता हूं मैं, पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लूं, इंपोर्ट numpy एज np। अब हमने क्या करनी है, 2D अरे क्रिएट करनी है, ये टॉक्स कंप्लीट करने के लिए अरे मैं अपने वैल्यू काउंट काउंट कर लेनी है। बहुत सब अरे में वैल्यू सेम मुकम्मल होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। 5 है 5 है, ठीक है। अब हमारा जो काम था वो है, हमने हमने कहना है असेस द एलिमेंट ऑन द फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम से। फर्स्ट रो से, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम से हमने एलिमेंट को असेस करना है। मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, मजीद समझ हो गई। सेकंड एलिमेंट ऑन फर्स्ट रो, ठीक है। अरे ये फर्स्ट रो 0, फर्स्ट रो का कौन सा एलिमेंट लेना, सेकंड एलिमेंट लेना है, ठीक है। ये आ जाएगा, उसकी लोकेशन 1 बनेगी। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अब देख लेते हैं, सेकंड एलिमेंट ऑन द फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या है, 2 है। अब हम मजीद इसको कर लेते हैं, अब हमने क्या करना है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करके देखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट प्रिंट कर लेते हैं, सेकंड एलिमेंट सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट ऑन द सेकंड रो, ठीक है। सेकंड एलिमेंट सेकंड रो प्रिंट करते हैं, देख लेते हैं, सेकंड एलिमेंट और सेकंड रो, सेकंड एलिमेंट का सेकंड रो, ठीक है, ये 1 7 है। सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट सेकंड रो वैल्यू क्या, 7 है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा एक और है, हमने क्या करना है, सेकंड रो का 5th कॉलम, असेस द एलिमेंट ऑन द सेकंड रो 5th कॉलम। इसका मैं आपको कोड करके दिखाता हूं कैसे आपने वैल्यू असेस करनी है। असेस द एलिमेंट ऑन द सेकंड रो 5th कॉलम लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेता हूं पहले। फर्स्ट जो काम है, फर्स्ट नंबर एज एनपी। अब नो हमने क्या करना है, अरे क्रिएट करनी है, एनपी अरे, ठीक है। ये वैल्यू हमने स्टोर करवा दी,
फाइव वैल्यू। अब जो प्रिंट करते हैं हम, क्या प्रिंट हमने करना है इसमें, फिफ्थ एलिमेंट ऑन सेकंड रो, ठीक है, सेकंड रो रो का फिफ्थ एलिमेंट। अरे वेरिएबल ले लिया, अब हमें उसकी लोकेशन देनी है। सेकंड रो आ चुकी है, सेकंड रो का फिफ्थ एलिमेंट फोर लिखेंगे, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है तो फोर तक फिफ्थ एलिमेंट हमारे बन जाते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया, ये देखिए 1 2 3 4 5 फिफ्थ एलिमेंट है ये, और रो कौन सी है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड रो है, ठीक है। जो उसकी जो वैल्यू बनेगी वो फोर बनेगी। अब हमने 3D अरे के थ्रू वैल्यू को असेस करना है। अब मैं आपको मजीद 3D अरे के थ्रू इंडेक्सिंग समझा देता हूँ। तो असेस एलिमेंट्स फ्रॉम 3D अरे, वी कैन यूज कॉमा सेपरेटेड इंटीजर रिप्रेजेंटेशन हम अरे क्रिएट करते हैं। सबसे जो फर्स्ट काम होता है वो हमारा लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना होता है, इंपोर्ट नाम का एज एनपी। देन हमने अरे क्रिएट करनी है, एनपी डॉट अरे। ये हमारी अरे क्रिएट हो चुकी है। अब हमने प्रिंट करना है। क्या था बता देता हूं अब आपको। हमने क्या करना था, एलिमेंट असेस करने थे कॉमा सेपरेट इंटीजर के थ्रू, ठीक है। ये उसका कोड आपके सामने राइट कर दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूं। ये 6 आ चुकी है वैल्यू। क्या था हमने, हमने थर्ड एलिमेंट असेस करना था सेकंड अरे से। थर्ड एलिमेंट ये 0, ये 0, ये 1। थर्ड एलिमेंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ मजीद इधर, जो हमने काम करना है। ठीक हो गया, हमने असेस किया है द थर्ड एलिमेंट ऑफ द सेकंड अरे। ऑफ द फर्स्ट अरे ऑफ द फर्स्ट अरे, ठीक है। हमने थर्ड एलिमेंट सेकंड अरे ऑफ द फर्स्ट अरे, सेकंड और फर्स्ट अरे से हमने थर्ड एलिमेंट को असेस किया है, ठीक है। ये देखिए हमने
ये वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट काम जो हमने करना है वो है नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्सिंग, इसमें हमने क्या करना है, प्रिंट द एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द सेकेंड डायमेंशन, ठीक है। सेकेंड जो लास्ट एलिमेंट प्रिंट करना है सेकेंड डायमेंशन सेकेंड रो का। अब मैं कोड करता हूँ इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, एक अरे क्रिएट कर लेते हैं एनपी डॉट अरे। अब इसको वैल्यू दे देते हैं 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 2, ये 5 5 वैल्यू इक्वल हो चुकी है। अब मैं आपको प्रिंट करके रिजल्ट दिखाता हूँ। हमने लास्ट एलिमेंट फ्रॉम सेकंड रो या डायमेंशन सेकंड डिमिंग या अरे, सेकंड अरे से हमने लास्ट एलिमेंट प्रिंट करना है। अरे जब सेकंड रो, ये जो है ये इस रो का एड्रेस है। अब हमने -1, जब आपने नेगेशन करनी होती है तो आपने माइनस लगाना होता है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे ही एग्जीक्यूट किया एक एरर है, चेक कर लेते हैं। इसलिए है कि यहाँ पैरेंथेसिस एक और आएगी। अब एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे ही एग्जीक्यूट किया तो 2 वैल्यू दे दी थी। ये लास्ट इंडेक्स हमारा क्या है, 2 है। आज का इस लेक्चर को दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं। इसमें हमने क्या किया, एक अरे क्रिएट की, हमने इंडेक्सिंग करनी है। इस अरे में से कोई वैल्यू को हमने प्रिंट करना है, ठीक है। फर्स्ट मैंने क्या किया, कंप्लीट अरे को प्रिंट कर दिया। फिर मैंने उसका फर्स्ट लोकेशन पे कौन सी वैल्यू है, 1 पे, तो जो उसका 0 से स्टार्ट होता है, इसकी सेकंड लोकेशन बनेगी। सेकंड लोकेशन पे जो थी वैल्यू 2 थी। फिर मैंने सेकंड लोकेशन प्रिंट की, सेकंड लोकेशन पे वैल्यू 3 स्टोर थी अरे में। फिर हमने क्या किया, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट को अरे में असेस करके ऐड करना था। हमने उनको असेस किया, फिर हमने उसको ऐड कर दिया, ठीक है। सेकंड पे जो था ये 0 1, ये सेकंड एलिमेंट 6 था और थर्ड एलिमेंट ये 7 था। फिर हमने क्या किया, हमने किया फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम से एलिमेंट को असेस किया। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये वैल्यू 2 बनेगी, ठीक है, ये प्रिंट हो चुकी है। फिर हमने किया सेकंड एलिमेंट और सेकंड रो, सेकंड एलिमेंट सेकंड रो, ठीक है, वैल्यू 7 प्रिंट हो चुकी है। फिर हमने क्या किया, सेकंड रो फिफ्थ कॉलम, सेकंड रो फिफ्थ कॉलम, वैल्यू 4 बनेगी, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ये 5 नंबर पे वैल्यू, ये 4 स्टोर है, प्रिंट हो चुकी है। फिर हमने नेक्स्ट क्या करना था, हमने सेपरेट कॉमा से कुछ वैल्यू को प्रिंट करके दिखाया। फिर निगेशन करनी थी, वो मैंने आपको निगेशन करके दिखा दिया है, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही है, अब अगली वीडियो में नए लेक्चर के साथ, अल्लाह हाफिज। आ जाने आ गया। भाई, रोटी ठंडी हो जाने।